देखो हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजा कौन बनाता है? कारपेंटर, सी ए आर पी ई एन टी ई आर, बोला करो। हु इज पेंटिंग द वॉल्स, दीवार को कौन पेंट करता है? पेंटर, पी ए आई एन टी ई। जॉब बुलाएंगे ना, जॉब सेठ सेठ करवाती हैं, पिलाओ थोड़ा ये दे देती हूँ, ये काम कर लो है? अब मेरे से आके चेकअप करवा लेती। खाली मैम चार काम दे देना। ये कौन है वाला? सारे मैम बता दो। अच्छा रुक जाए एक सेकेंड। अरे मैम रुक जाए एक सेकेंड, दो मिनट रुको, दो मिनट, अरे दो मिनट रुको ना, बता रही हूँ। कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है? आगे वाला। इंजन आगे होगा कि पीछे होगा? पीछे। मूल्यांकन के संकेतन और लोकन, और लोकन का मतलब क्या होता है? जैसे अवलोकन और रिपोर्ट करना, जैसे वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, ये सब होता है इसका मतलब। पीली सूची को देखो, इसको देखना है। दो के एक किलो टमाटर कितने के हैं? एक किलो टमाटर का दाम कितना है? 12 रुपया ना, तो 2 किलो का 12 गुणी 2। हाफ किलो टमाटर कितने का होगा? हाफ इंटू 12, ठीक है। किरण को इतना किलो टमाटर चाहिए, वे कितने रुपया में मिलेगा? इसको सॉल्व करना है। 2 × 4 = 2 × 12। अब इसको इसको काटेंगे, 2 × 4 = 2 × 12। आगे वाला। इंजन आगे होगा कि पीछे होगा? पीछे। सॉल्व करेंगे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 और 2 को ध्यान से देखो, 3 और 2 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 2 और ये प्लस होता है, 6 और 1 प्लस किए तो 7 × 2। अब देखो आलू का रेट क्या है? 10 × 5 = 7 × 5। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें अटेगा भी नहीं। 1 × 1 = 4। इसको सॉल्व करना है, देखो 1 × 1 तो 1 × 1 = 4 × 1 = 4 और 1 + 5 / 4 × 2 कितना है? गाजर, गाजर का कितना रेट है? गाजर का 18 रुपीज। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करना। अब तुम खुद करना, देखो इसमें देखा 4 × 4 × 3/4। देखो 4 × 4 = 16, 3 ऐड करेंगे 17 × 18 = 19, 19 / 4 × 2। वो लौकी कैसे केजी है? 1 रुपए। देखिए 2 × 4 = 8 तो 9 × 2 =। चलो ऐसे करना। अब ऐसे खड़ी हो यहाँ पे, उधर नी टच करोगी गिर जाएगा। अब चलो बैठो, जा बैठो, बुलाएंगी ना, जाओ बैठो। अब देखो, क्या तुम पानी पे कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुना, ये नहीं करना है। कौन सी कविता में पानी से जुड़े कौन सी आवाजों की बात की गई है? क्यों करती है? बुक से ही, रोज तुम बुक से ही कराती है। कुछ आवाजें तुम भी बताओ, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही करा देती हूँ। क्या इसमें कहानी पानी की आवाजें बता रही थी? मैंने इसमें
कविता में क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ है, पानी कहाँ कहाँ है, ओस में, बर्फ में, भाप में, सब रूपों में, और मैं रोड पे, नदियों में, वाला झरनों में, अच्छा रुक जाए एक सेकेंड, कुओं में, धरती में, तालाबों में, खेतों में, एक सेकेंड, दो मिनट रुको, दो मिनट, ये सब नाम लिखना है, दो मिनट रुको ना, बता रही हूँ, बर्फ और सब, बच्चा इंजन बना हुआ है, भाप आगे वाला, इंजन आगे होगा कि पीछे होगा, पीछे धरती से, हाँ ये इसका है, तीसरे से करना, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पे निशान लगाओ, खेलने में, गाना गाने में, चाय बनाने में, इसमें होगा चाय बनाने में, आटा गूंदने में, लिखने में, नाव चलाने में, फिर चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में, पंखा चलाने में, चित्र को हम बनाएंगे तो पानी की जरूरत पड़ेगा ना, पेंट में डलता है ना, ऐसे चार काम लिखो जो तुम पानी के बिना बिना कर सकते हो, पानी के बिना क्या क्या कर सकते हो, खेल सकते हैं, खेलना, पढ़ना, नाचना, हंसना, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो, नहाना, पीना, खाना, धोना, सब ढाई बजे आए, देखो इसमें कहानी लिखना है, फर्स्ट में लिखेंगे वन ये, सेकंड में लिखेंगे ये, थर्ड में लिखेंगे ये, फोर्थ में लिखेंगे ये, फाइव में लिखेंगे ये, किल, किंग, किड, जैसे वन टू डाले उसमें डालना है, किस, किस हो गया, किंगडम, कंगारू, देखो जहाँ कम होगा उसमें माइनस करना है इन दोनों में, जहाँ ज्यादा होगा उसमें प्लस करना है, और यहाँ करके लिखना है, ठीक है, अब नाइन में से थ्री जाएगा तो सिक्स, और एट में से टू गया तो सिक्स, ऐसे करना है, अब जीरो जीरो प्लस करना है ज्यादा है ना, और वन और फोर फाइव हो गया, इसमें नाइन और एट सेवेंटी का सेवन कैरी, वन टू कैसे टाइट वाला, अच्छा रुक जाए एक सेकेंड, एक सेकेंड, नौ दो के नो दो फिर नो नाइन बता रही हूँ, नहीं अपने पास अच्छा इंजन बना हुआ है, आगे वाला इंजन आगे होगा कि पीछे होगा, पीछे, सेठ सेठ प्ले, ए वाई वॉश, एक वर्ड बताओ बच्चों, डब्ल्यू से ना वॉश, ए एल तक ही लिखूंगा, अच्छा एल तक ही लिखूंगा, एफ एच फास्ट, योर कॉपी खत्म है इंग्लिश की, योर ये कॉपी खत्म है,
कल बोली थी ना वाई ओ यू आर योर वाई ओ यू आर योर रिशिका कॉपी कॉपी ध्यान नहीं देती इंग्लिश की खत्म है तो ए आ जा इधर कहा गया वो रूही पहले कभी अच्छा रूही है रूही आ जा मैम जैसे बोल हाँ ना भी सीट पे बैठा मैम पीछे देखो बड़ी यू की किसे ए ए जे जे अच्छा रुक जाए एक सेकेंड जी नहीं जी एक सेकेंड दो देखो रुको दो बड़ी यू की मात्रा कैसे होता है ऐसे दो पलट के बता रही हूँ ना बच्चा इंजन बना हुआ है आगे वाला इंजन आगे होगा कि पीछे होगा पीछे भूत भूत झूठा झूठ झूला 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 थूका थूक बातें नहीं धूपा धूप निकलाई थे बॉडी पार्ट था हेयर फोरहेड एच ई ए डी सी एच डबल ई के एस एच अरे सांप उल्टा लिखी ई एल ई बी ओ डब्लू एल्बो बेली टी एच आई मैम इसको कैसे करते हैं पर टी एच आई जी एच नी अरे के में नी लिखी थी के एन डबल ई नी फुट आईज हेलो नी का स्पेलिंग लिख दो के एन डबल ई नी पड़ी पहले ढक से बैठो मैम कहाँ से सीख गया आप तो उधर देख रहे टाइम खराब कर रही है मेरा देखो फ्रूट्स नेम लिखना मेरे प्रॉब्लम है हाँ एप्पल बनाना ऑरेंज ठीक है ये रुई क्या की है सामने सामने नंबर लिखेंगे ना ये गलत हो गया कल भी सिखाई थी ना तुम उल्टा लिख देती हो ना दादी नहीं देखती है क्यों साफ गलत गलत जोड़ती है नंबर क्यों नहीं चेक करती पापा किसी दादा से चेक करवा लिया करो ये बोली थी ना सेबे ना टू को जोड़ना है एक साथ यहाँ लिखना है वाला अच्छा रुक जाए एक सेकेंड रुक जाए एक सेकेंड दो मिनट रुको दो मिनट अरे दो मिनट रुको ना बता रही हूँ कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है आगे वाला इंजन आगे होगा कि पीछे होगा हाँ बर्ड की स्पेलिंग नहीं जानती हो आई गो टू ट्रांसफॉर्म ये क्या था विलेज फ्रॉम ट्रेन था दिखती नहीं है विलेज न्यू मोबाइल मतलब ध्यान नहीं रहता है मम्मी का ये कि अब तीन चार काम लिए और स्कूल जाना है तो तीन चार काम आ जो पीछे लग रहा तू घर पे रिवीजन नहीं करती हो सब वो मम्मी नहीं रिवीजन करवाती है कि लाओ थोड़ा ये दे देती हूँ ये काम कर लो है अब मेरे से आके चेकअप करवा लेती खाली मैम चार काम दे देना ट्रांसलेट सीधी खड़ी रहो इंटू इंग्लिश मैं एक
लड़की एम पागल है, मैं चोर हूँ, तुम अच्छे हो, वाह मेरा मैम आप देते जा रहे भाई है। इन दोनों का यहाँ बनाना छोटा है, इसका यहाँ बनाना। तुम पढ़ते हो, एक सेकेंड। आ जाओ इधर, बस बहु हो गया, इन्हीं लोग का है। आ की मात्रा लिख के दिखाओ, आ की मात्रा, मात्रा सीखो। ए हाँ, 12 का तो स्पेलिंग सुना, 12 का स्पेलिंग। हाँ हाँ, 12 का स्पेलिंग बोलो। हाँ टी और जी, फिर स्टार्ट हो गया वाला। अच्छा रुक जाए एक सेकेंड, दो मिनट रुको। कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है? आगे वाला इंजन आगे होगा कि पीछे होगा? कुछ लिखना है। और मैम को तुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैम को? क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ देखो, अपना नाम लिखना, री श ब आर आई एस एच ए बी एच री सब। पता चला कि तुम उसको नीचे गिरा दिया, वो टूट गया, उठा के फिर फेंक देंगे सर। अब तुम वहां कैसे बैठ गए? यहाँ बैठो, तू सामने यहाँ लो तो बैग, तुम्हें इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है अप डाउन बार बार। यहाँ रखो बैग, आगे रखो बैग, यहाँ रखो। हाँ यहाँ चलो मेरे पास बैठो, सामने बैठो। देख लो कितना गंदा गंदा लिखता है, लिखता है कलम से। हम लिखते हैं इधर से, घर हमारा जरूरी होता है, घर हमारे लिए जरूरी होता है, फूल बगीचे में खिलते हैं, खिलता है, नदी में मछली रहती है, पहाड़ बहुत बहुत ऊंची होती है, गंगा एक नदी होती है वाला। अच्छा रुक जाए एक सेकेंड, कोई बात नहीं, रुक जाए एक सेकेंड, दो मिनट को, दो मिनट, अरे दो मिनट बता दिया,
कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है? आगे वाला इंजन आगे होगा कि पीछे होगा? पीछे। खेल रहे हैं बच्चे, रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं ना। प्रश्न उत्तर। आप देखो बच्चे कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं? उत्तर यहाँ लिखना। इस खेल में कितने कितने बच्चे बच्चे डिब्बा डिब्बा बने बने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। कौन कौन सा बच्चा बच्चा गार्ड गार्ड बना बना है? बच्चा बच्चा इंजन इंजन बना बना है? नंगे। पहले रुक जा, पकड़ो इसको। अरे चलो ये पकड़ो, कॉपी हटाओ। कौन सा खेल खेला जा रहा है? रेलगाड़ी। इसके नीचे उत्तर में लिखना रेलगाड़ी। कितने बच्चे डब्बा बने हैं हुए है? एक दो तीन चार पाँच छः। अच्छा, चार बजे में भेजना उसको दूसरे वाले टाइम में। कौन सा बच्चा गार्ड बना हुआ है? पीछे वाला। पीछे वाला सारे मैम बता। अच्छा रुक जाए एक सेकेंड। अरे मैम रुक जाए एक सेकेंड, दो मिनट रुको, दो मिनट। अरे दो मिनट रुको ना, बता रही हूँ। कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है? आगे वाला इंजन आगे होगा कि पीछे होगा? पीछे वाला तो गार्ड बना हुआ है, इसके हाथ में झंडा है। इंजन तो दोनों तरफ होती है, लेकिन शुरू का जब ट्रेन आगे से है तो इंजन आगे वाला चल रहा है ना। ट्रेन गाड़ी में। अब बैठो, अब काम करो। तो पहले चलो ये स्टार्ट करो। ट्रेन में दो इंजन होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन मुड़ती नहीं है, मेट्रो में। हाँ, क्योंकि ट्रेन अगर पटरी पर होती है ना, तो ऐसे पटरी पे है ना, तो अगर इधर जाना होता है तो ये इंजन वो हो जाता है, दूसरा उसमें इंजन आके जुड़ जाता है और ये स्टार्ट होता है। अगर इधर जाना होता है तो ये इंजन स्टार्ट होता है, वो ऐसे। अच्छा। हाँ, ड्राइवर नहीं होता है। जब आगे ट्रेन चलती है तो ड्राइवर आगे बैठा हुआ था, पीछे वाला थोड़ी इंजन चलता है। और ट्रेन की इंजन इंजन कभी बंद नहीं होती है, 24 घंटा चलते रहती है। नहीं इसलिए बंद नहीं होती है, तू उसको स्टार्ट करने में जितना इंजन लगेगा ना, उतना उसको उससे कम उसको स्टार्ट नहीं लगता है, इसीलिए इंजन कभी बंद नहीं होता है ट्रेन का, कभी नहीं। जब वो खराब हो जाती है तब ऐसे नहीं। उसी में बनती है, मालगाड़ी अलग चीज हो गया, उसमें सब एक ही चीज होता है। मालगाड़ी में सामान लोड होता है। अरे इधर मैं करके बैठूंगा, एक ही पटरी पे दो तीन तीन ट्रेन आ गई थी, इसीलिए बहुत सारे। किसकी है? एम से वर्ड बताओ।
एन से नीडल, एम मीट, मस्त, उसको पहले इसका चीज तो दूँ क्या, इसको एक ही बार पे छोटा चीज दे देता है पलट कर दे, तो चार सब बजे नहीं होगी, तीन बजकर छह पागल हो गई। देखो आज ये करना, पेंसिल लो, सही बात है, नहीं उसको लिख लेने दो। देखो द रूफ इज पिंक, द वॉल आर, दीवार किस टाइप का है, येलो या रेड, येलो, द विंडो आर, विंडो किस कलर का है, ग्रीन या ब्राउन, ब्राउन है ना, ब्राउन, द डोर इज ब्लू या ग्रे, ब्लू है ना, ये क्या है, द डस्टबिन इज पिंक, द प्लांट आर ग्रीन, द फ्लोर इज ग्रे या ब्राउन, ब्राउन कलर है ना, लो इसमें ऐसे लिख कर टिक कराना, चल ये लो अपनी पेंसिल, घर पे मैंने ये एक क्यों नहीं लिखी थी, ट्राई कलर हैज फोर कलर, तिरंगे में कितने कलर्स होते हैं, फिर चलो बैठो, ब्यूटीफुल टेम्पल इज अ होलीडे प्लेस, द क्लॉक शो अस टाइम, ग्राउंड है ना, तो चिल्ड्रेन प्ले, इसमें लिखेंगे द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग इन द कौन सा बच्चा इंजन बना हुआ है, आगे वाला इंजन, आगे जो